Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today we are going to do the exercise of poem 3, that is A Smile, from class 2nd English book, that is Marigold book, and from NCERT syllabus. So let's start. Okay, so we are going to start this exercise on page number 40. Let's read. My grandmother has many wrinkles on her face. यानी मेरी जो grandmother है, grandmother हम किसको बोलते हैं, या तो दादी को बोलते हैं या नानी को बोलते हैं. That means your mother's mother और your father's mother, right? So grandmother has many wrinkles. उनके face पे क्या हो गई, बहुत सारे wrinkles हो गई हैं. Wrinkles मतलब झुर्रियां पड़ गई हैं, lines ही हो गई, right? Shall I tell you a secret? क्या मैं आपको एक secret बताऊं? तो ये आपको क्या करना है, आपको इसको रीड करना है. ओके, नेक्स्ट इज रीडिंग इज वन. सो हियर्स टू क्वेश्चंस आर देयर एंड वी विल सी द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन. व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग? जो एक स्माइल है वो क्यों एक फनी थिंग है? सो आंसर इज अ स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स रिंकल्स ऑन द फेस एंड नो वन नोज वेयर इट हैज हिडन इटसेल्फ. ओके, our second question is what happens when you smile at someone? क्या होता है जब आप किसी दूसरे को देख के स्माइल करते हो? So the answer is when you smile at some other, when smile at someone, he also smiles at us in return. क्या होता है जब आप किसी और को देख के स्माइल करते हो तो सामने भी आपको एक स्माइल ही मिलती है, right? Now let's listen to a joke. यहाँ पे एक joke आ गया है. जोक सुनने में सबको मजा आता है और काफी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत जोक मारते ही रहते हैं ना. तो यहाँ आपको जोक मारने की बारी आ गई है. पहले इस जोक को सुन लो, फिर आपको भी जोक बोलना है. आई आस्क माई मदर फॉर 20 रुपीज. मैंने क्या किया, अपनी मदर से 20 रुपीज मांगे टू सी द लायन जम्प द ट्रीज. क्यों? उनको ये दिखाने के लिए कि देखो किस तरह से जो लायन है वो ट्री के ऊपर जम्प मार रहा है. ही जम्प सो हाई, उसने इतना बड़ा जम्प मारा, ही टच द मून. उसने क्या किया, उसने उसको ट्री के ऊपर से जंप मारना था लेकिन उसने जाके चांद को टच कर लिया. एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून. और जून के एंड तक वो वापस ही नहीं आया. सो इट वॉज अ जोक. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एवरी वन लाफ. आपको भी इसी तरह से जोक मार के दूसरों को हंसाना है. सो यू कैन मेक जोक इन योर ओन लैंग्वेज और फिर आप उसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इस तरह से. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. वी हैव टू से अलाउड, यानी जोर से बोलने की बारी आ गई. ओके, सो फर्स्ट वर्ड यू कैन सी TRUNK, ट्रंक. ट्रंक, ट्रंक मीन्स जो हाथी की जो सूंड होती है या फिर आप कह सकते हो जो पेड़ का जो तना होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमको एक्चुअली मीनिंग नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है प्रोनाउंसिएशन. क्या साउंड सुनाई दे रहा है, अंक. ओके, UNK, अंक. नेक्स्ट इज sunk, SUNK, sunk. And next is JUNK, junk. Clear? Next box देखते हैं, SINK, sink. क्या सुनाई दे रहा है, ink. Next THINK, think. And last is PINK, pink. Clear? Next third box देखते हैं हम, WRINKLE, रिंकल. अब रिंकल बोलते हुए एक खास बात ध्यान दो आप लोग कि हमें W की आवाज नहीं सुनाई दे रही है. जो यहाँ पे W जो लेटर है वो क्या है, उसका साउंड नहीं है, इट इज साइलेंट. तो हमें क्या सुनाई दे रहा है, रिंकल. ओके, RI. नेक्स्ट इज WRIGGLE, रिकल. तो यहाँ पे भी सेम चीज है, W का साउंड नहीं है. इसी तरह से WRITE, राइट. राइट यानी लिखना, इसमें भी W का साउंड हमें नहीं सुनाई दे रहा है, राइट. फोर्थ वन हम देखते हैं WORRY, वरी. तो W का यहां साउंड सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनो, व, वरी. WORK, वर्क. WONDER, FUEL, वंडरफुल, राइट. सो वेन वी रीड W इन कॉलम 3, जब आपने कॉलम 3 में W को पढ़ा, इट हैज नो साउंड, उसका कोई साउंड ही नहीं था, राइट. लुक एट द वर्ड टॉक. जब हम एक वर्ड लेते हैं टॉक करके, तो आप देखो टॉक में जो L है वो भी साइलेंट है, हम टॉल्क नहीं बोलते, व्हाट वी से टॉक. तो L का जो साउंड है वो क्या है, साइलेंट है.
नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इसमें आपको जो लेटर है, जो साइलेंट लेटर है, वो आपको बताना है. वॉक, तो वॉक में टॉक के जैसे एल आपका साइलेंट है. मोर क्या है? मोर, ठीक है. रैप, तो रैप में डब्ल्यू. जोक, जोक. तो मोर और जोक में अगर आप ढूंढो तो आपको म, मो, एम ओ, र, र भी सुनाई दे रहा है. सिर्फ ई जो है वो लेटर हमारा साइलेंट है. सेम वे जोक में भी ई जो लेटर है वो साइलेंट है. क्लियर? नाउ ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विथ माई. सो जितने भी वर्ड्स हैं उसमें जो आई का साउंड है वो क्या है? इट इज राइमिंग वर्ड और राइम्स विथ माई. मतलब किससे राइमिंग हो रहा है उसका? माई से. कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं एंड यहाँ पे हमको आई फिल करना है एंड विल मेक अ वर्ड लाइक एस एम आई एल ई स्माइल, के आई टी ई काइट, एम आई सी ई माइस, एल आई एन ई लाइन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिडल टाइम. एक रिडल आ गई आपके पास. विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. कौन सा जो वर्ड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा है, लॉन्गेस्ट है? तो स्माइल. अब स्माइल क्यों? बिकॉज देयर इज अ माइल बिटवीन द टू एस. एस और एस के बीच में क्या है? बहुत बड़ा माइल है. सो दैट इज वाई इट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव. लेट्स राइट, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर. तो यहाँ एक गेम खेलने की बारी आ गई है. अपने पार्टनर के साथ आपको खेलना है. क्लोज योर आईज, मूव योर फिंगर ओवर द पेज व्हाइल यू सिंग. तो गाना क्या गाना है? टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस. ओके, तो दिस इज द सॉन्ग यू हैव टू सिंग. और जब आप ये गाना गाते हो तो आपका जो दूसरा फ्रेंड है उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और उसकी फिंगर इस सर्कल में घूमनी चाहिए. क्लियर? When you finish reciting the poem, stop moving your finger. और जब आप गाना बंद कर दो तो आपकी फिंगर मूव करना बंद कर देनी चाहिए. Then what you have to do? Open your eyes. आपको अपनी आंखें खोलनी है. See which letter you stop at. Uses the clues to write the word beginning with the letter that you find. और फिर आपको क्या करना है? आपको clues देखने हैं और write the word beginning with the letter that you find. और जिस भी लेटर पे आपकी फिंगर आती है तो उससे आपको जो वर्ड है वो बिगिन करना है. राइट? तो ये आप खुद ही करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू अगेन नेक्स्ट पेज. टीम टाइम, मिलके करना है. एक एक्टिविटी आ गई है. तो व्हाट यू हैव टू डू? फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में एक क्ले क्लब बनाना है एंड यू हैव टू गिव अ नेम टू योर ग्रुप. ओके, एंड बहुत सारी चीजें हैं क्ले से लेकर आपको बहुत सारी चीजें बनानी है जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो. ओके, तो ये जरूर करना और मेरे साथ जरूर शेयर करना आपने क्या किया. नेक्स्ट इज फन टाइम. अगेन हैव फन विथ क्ले. क्ले लेकर आप अलग अलग चीजें बना सकते हो. क्ले बॉल बना सकते हो. यूज अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट. रोलिंग पिन यानी जो बेलन होती है ना, उससे क्ले को रोल करना है और फ्लैट करना है. या तो आप उसको पैनकेक बनाओ, रोटी बनाओ, इडली बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हो. सो दिस इज एन एक्टिविटी विच यू हैव टू डू. इज इट क्लियर? ओके ओके. सो यहाँ पे हमारे पास एक पोयम है और इस पोयम को आपको गाना है, ठीक है, विथ एक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स. इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Clear? तो इस तरह से आपको ये गाना गाना है, repeat करना है, rhymes, actions करने हैं, and you'll enjoy it, really. Clear? And this is the last one. Let's practice. यहाँ पे आपको cursive में three letter words दिख रहे हैं, तो ये आपको लिखना है. Like first is W O N, one. वन, वन मतलब जीतना. एस यू एन सन, सन मतलब सूरज. एम ए एन मैन, मैन मीन्स आदमी.
नेक्स्ट यू कैन सी DAY, डे, डे मतलब दिन, FAN, फैन, फैन मतलब पंखा, HOT, हॉट, हॉट मीन्स गरम. नाउ लेट्स मूव, नेक्स्ट इज ONE, ONE मीन्स वन, TWO, एंड FAR, फार, फार मीन्स दूर. तो ये पूरा जो पेज है आपको कर्सिव राइटिंग इसमें प्रैक्टिस करनी है, क्लियर. एंड हियर वी हैव कम्प्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम. आप आई होप आप सभी को मजा आया होगा. अगर मजा आया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.